तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो हमारा खालिक है, उसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया है। उसी के बाबरकत नाम से आगाज करती हूँ जिरगे का। मौजज़ीन, ये जिरगा सुलेमान शाह की वफात के बाद नए सरदार के इंतखाब के लिए पहली बार बुलाया गया है। काई कबीले के नए सरदार के लिए गुंदोगदू साहब और अर्तुरुल साहब उम्मीदवार हैं। ये इंतखाब खुशाइंद हो। आमीन आमीन आमीन। ये तो है दुंदा, ये किस तरह जिरगे में दाखिल हो गए तुम? मैं इस जिरगे में बहैसियत सरदार अपना हक इस्तेमाल करना चाहता हूं। गुंदोगदू साहब, तो अब यहां भी खेल खेले जाएंगे। आपको ये सब मुनासिब लगता है मखानम? दुंदार साहब भी दूसरे मौजज़ीन की तरह अपनी राय देने का हक रखते हैं। अगर ये अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर करें। शुक्रिया है मखानम। काई कबीले का सरदार मुंतखब करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, गुंदोगदू साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल कहना चाहूंगा। मोहतरम मौजज़ीन और अजीज सरदारान, सुलेमान शाह की रहलत के बाद हमारा इस सरजमीन की तरफ हिजरत करने का सिर्फ एक ही मकसद था। हमें सुकून की तलाश थी और सल्तनत की मदद से हम फलना फूलना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी मकसद पूरा ना हो सका। हमारे लिए हर रोज एक नई मुसीबत मुंतजर होती है। हम सुकून को तरस कर रह गए हैं, अपनी ही सल्तनत के खिलाफ बरसरे पैकार होने लगे थे। मेरे सरदार बन जाने के बाद इंशाल्लाह हमारा कबीला अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। जरूर हिजरत करेंगे हम, लेकिन इसके लिए पहले बाहमी मुशावरत की जाएगी और रियासत के तावुन से अपना कबीला हम मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। बस यही कहना चाहता था मैं आपसे। हाँ, बात तो बहुत ही माकूल है। अर्तुरुल साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस जिरगे में? मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन और सरदारान, इतनी सख्तियां सहकर, इतने गम उठाकर ओस की आबाई सरजमीन को छोड़कर हमने इस इलाके की तरफ हिजरत क्यों की? क्या सिर्फ दुश्मन की वजह से, या वसीओ अरीज चरागाहें और जरखेज जमीन वजह थी? ये सारी तकलीफें और परेशानियां अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठाई, या फिर जहनी सुकून के लिए? जब तक हमारे लोगों को अमन और सुकून और राहत और आराम नसीब ना हो, तब तक जो मयस्सर है उस पर गुजारा करना अहमकों का फैसला है। मजलूम की आह अर्श तक हिला देती है, और जब जालिम अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करना चाहे तो उसे खत्म किए बगैर क्या हम अमन और सुकून की उम्मीद रख सकते हैं? वो ऐसा होने देंगे आपके ख्याल में? काई कबीले के दानिशमंद सरदारा, अगर मुझे सरदार मुंतखब करते हैं तो हम न सिर्फ अपने कबीले के लोगों की बल्कि दूसरे मजलूमीन की भी मदद कर सकेंगे। काई कबीले को वहां पहुंचाएंगे जहां उसका हक है। इसी सोच के साथ अमन सुकून हासिल हो सकता है। हम जरखेज जमीन, मवेशियों के लिए चरागाहें और बाजार जहां हमारी मसनूआत मुनाफे के साथ फरोख्त हो,
सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में सब हासिल हो सकता है जब हमारे ख्वाबों में अलहदा सरजमीन हो। अगर सरदार मुंतखिब हुआ मैं तो इंसाफ, बराबरी, रहमदिली, आला अकदार और रिवायात का पास रखना हमारा शियार होगा। अर्दरुल सरदार बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे। रिस्क की फिक्र नहीं होगी हमें और न ही हम दुश्मन को हावी होने देंगे खुद पर। हम किसी की मर्जी को जबरदस्ती नहीं खरीदेंगे, वो भी सोने के उन सिक्कों के एवज जिसका वसीला ही हमें मालूम ना हो। हक की खातिर राह हक के सिवा कोई दूसरी राह इख्तियार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, यही कहना था मुझे। भाई हमें तो अपने अर्दरुल पर पूरा भरोसा है। मालूम होता है कि अर्दरुल साहब के लिए सानवी हैसियत रखता है अमन सुकून। ये ख्वाबों से बेदार नहीं हुए अभी तक। मैं अर्दरुल साहब की इन बेसरोपा बातों की बुनियाद पर अपने कबीले को खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ और नहीं कहना मुझे इसके अलावा। जिसके ख्वाब न हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता गुंदुक्तु भाई। हमारा वाहिद मकसद काई कबीले को उस मकाम तक पहुंचाना है जो उसका हक है, ना कि उसे गुलामी की जंजीर पहनाना। मेरी बात यहां तमाम हुई। अब जबकि दोनों उम्मीदवार अपना मौकिफ पेश कर चुके, हम इंतखाब का आगाज करते हैं। गुंदोगदू साहब और अर्दरुल साहब दोनों मेरे फर्जंद हैं, लिहाजा मैं अपना हक इस्तेमाल नहीं करूंगी। गुंदोगदू साहब को जो काई कबीले का सरदार देखना चाहते हैं, हाथ बुलंद करें वो लोग। और अब वो लोग हाथ बुलंद करें अपना जो काई कबीले का सरदार देखना चाहते हैं अर्दरुल को। काई कबीले का सरदार मुंतखब करने के लिए 10 लोगों ने गुंदोगदू साहब के लिए और 6 लोगों ने अर्दरुल साहब के लिए हाथ बुलंद किया। काई कबीले के नए सरदार गुंदोगदू साहब हैं। अल्लाह इस सरदारी को मुबारक करे। आमीन। ये सरदार आदिल रहे हमेशा। आमीन। आमीन। इसके इरादे पाक हो रियाकारी से। आमीन। ये सरदार हक की राह पे चले हमेशा। आमीन। अल्लाह इसका मददगार हो। आमीन। ये सरदार अपने कबीले के लोगों का कुर्ब हासिल कर सके। आमीन। अल्लाह हमारे कबीले के लिए और हमारे लोगों के लिए इस सरदारी को मुबारक साबित करें। आमीन। कबीले के मौसिस और मोहतरम सरदारान, आप लोगों ने अपने फैसले से अपनी दानिशमंदी और बसीरत को साबित कर दिया है। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। मेरा औताक सुलेमान शाह के दौरे सरदारी की तरह आप सबके लिए हमेशा खुला रहेगा। आज से खुशियां आप सबकी और परेशानियां मेरी, आपके गम मेरे गम, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। मैं हमेशा आप सबकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। और ये बात भी मालूम होनी चाहिए आप सबको कि जो भी कोई कबीले को गुमराह करने की या तकसीम करने की कोशिश करेगा तो उसे
कबीले की बका का दुश्मन समझा जाएगा। अल्लाह हमारा इत्तेहाद और हमारी ताकत हमेशा कायम रखे। आमीन। बहुत मुबारक हो भाई। ये बात याद रहे, सरदारी हासिल करने के लिए उस दुश्मन से हाथ मिला लेना जिससे हमेशा हम नबर्दाज मारे, इसी रविश ने नुकसान पहुंचाया है हमारे कबीले को। सरदारी के लिए गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरीका मुंतखब करके कबीले की बागडोर खुद दुश्मन के हाथों में सौंप दी है आपने। इंशाल्लाह आपकी फिरासत मुस्तकबिल में भी आपकी रहनुमाई करेगी। मैं अब यहां मजीद कयाम नहीं कर सकूंगा। नया सरदार, आप सबको मुबारक हो। जो लोग भरोसा रखते हैं मुझ पर, उन्हें अपने साथ यहां से ले जाने की इजाजत चाहूंगा मैं आपसे। बंदोगतो सरदार, अपने ही कबीले में तो तुम सरदार बन ना पाए अर्तुरुल, कहां जाओगे तुम? उल्टा मासूम लोगों के लिए कयाम आजल बन जाओगे। मैं पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए एक नई रियासत की बुनियाद रखूंगा। तुम सब गवाह रहना। मुबारक हो सरदार।